पंडित राकेश दुबे जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ बहराइच की तरफ से सभी प्रदेश और जनपद वासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव व 75वें स्वतंत्रता दिवस के समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। संजय कुमार गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक थाना धानीपुर गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को, हमारे समस्त शिक्षकों को तथा समस्त बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष हम लोग स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम ये लक्ष्य निर्धारित करके हुए आगे बढ़ना चाहते हैं कि अपने प्रदेश को, अपने जनपद को एक निपुण जनपद, निपुण प्रदेश बनाएं और अपने बेसिक शिक्षा को उन्नति पर ले जाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान प्रतिनिधि अनिल श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत पहाड़ापुर विकास खंड हलधर मऊ गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश रस्तोगी प्रोप्राइटर श्री बालाजी एंटरप्राइजेस कचरा बाजार रोड पहाड़ापुर करनैलगंज गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंशा राम वर्मा, ज्योति गैस एजेंसी संचालक धानीपुर गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मुफीज खान, प्रधान प्रतिनिधि दिनारी कोषाध्यक्ष प्रधान संघ कर्नलगंज गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान संघ अध्यक्ष हलधर मऊ राकेश कुमार मिश्रा, ग्राम गोनवा लखनापुर गोंडा की तरफ से सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायत सचिवाताल ग्राम जनपद कन्नौज की तरफ से समस्त प्रदेश व क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कूड़ा कूड़ेदान में डालें। मैं अनुज गुप्ता, अध्यक्ष गल्ला आलू व्यापारी संघ नवीन मंडी स्थल छिबराम हूँ एवं प्रत्याशी नगर पालिका परिषद छिबराम हूँ, सभी नगर वासियों को जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी नगरवासियों से कहना चाहूँगा कि हर घर तिरंगा को सफल बनाए। माननीय मोदी जी का सपना है जो हर घर में झंडा होना चाहिए, तो हर घर में झंडा लगाएं। मैं ओमकार साख, प्रतिनिधि अध्यक्ष जिला पंचायत कन्नौज। मैं सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूं कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी लोग अपने घरों पर, छतों पर तिरंगा झंडा लगाकर सच्चे देशभक्त होने का परिचय दें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जाना इंटरनेशनल प्ले स्कूल गीतापुरम की तरफ से रक्षाबंधन व 15 अगस्त की समस्त प्रदेश व क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। प्रधान प्रतिनिधि पिंकी तिवारी, ग्राम पंचायत धेंगपुर विकास खंड
छिबरामऊ कन्नौज की तरफ से समस्त प्रदेश क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। प्रवीण चंद शुक्ला, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत महमूदपुर खास विकास खंड छिबरामऊ कन्नौज की तरफ से समस्त प्रदेश व क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि ग्राम पंचायत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। अपने देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त के 75वें कार्यक्रम में आप सभी नगरवासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि अपने नगर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, प्रदूषण मुक्त रखें और कोशिश करें कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो आपकी वजह से। धन्यवाद। सुखाला देवी, प्रधान प्रतिनिधि बड़े शाक्य ग्राम पंचायत असालत नगर विकास खंड छिबरामऊ कन्नौज की तरफ से समस्त प्रदेश व क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि ग्राम पंचायत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर।